बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर लखनऊ में हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव 1 साल बाद है, इसलिए नड्डा के इस दौरे को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अपने दौरे पर नड्डा ने यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक की और उन्हें अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया। इस दौरान उन्होंने मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल के संकेत दिए हैं, जिससे कई मंत्रियों की नींद उड़ गई है क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। लखनऊ पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ संकेत दिए हैं कि योगी सरकार में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चुनाव 1 साल करीब है, इसीलिए सरकार जनहित की कई योजनाओं पर तेजी लाने की कोशिश में है। इसीलिए जिन मंत्रियों का कामकाज अभी तक ठीक नहीं रहा है, उनकी कुर्सी जाने के संकेत जेपी नड्डा की ओर से दिए जा रहे हैं। नड्डा ने मंत्रियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया और काम के तौर तरीके बदलने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाए तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए। नड्डा ने कहा कि जब केंद्र में 2019 में दोबारा से मोदी सरकार बनी तो उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन वो इससे मायूस नहीं हुए थे। कई लोग जरूर तमाम तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन आज पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया कि मैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा हूँ, इसीलिए कभी दिल छोटा न करें। यानी नड्डा ने मंत्रियों को साफ संकेत दे दिया है कि कई मंत्रियों की कुर्सियां जाने वाली हैं, लेकिन उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, भविष्य में पार्टी उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपेगी। जिन मंत्रियों का काम अच्छा नहीं है, उनके अलावा अच्छा काम करने वाले मंत्रियों की कुर्सी भी जा सकती है, क्योंकि चुनाव करीब है। बीजेपी ऐसे मंत्रियों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।